हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के बारे में, जिसमें हम इस लेक्चर में हम आप सभी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आप सभी को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे आप सभी को कम ध्यान देना है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, पूरी वीडियो अंत तक देखिए और आप सभी को डेफिनेटली पता चलेगा कि आप सभी को कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहाँ से आप तैयारी कर सकेंगे अपने एग्जाम्स की, कहाँ से आप अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या गाइडेंस आपको मतलब कि लेनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी हेल्प मिलता है और वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहला आपको सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में, यहाँ पे आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप यहाँ पे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आता है वो हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो हाईवे इंजीनियरिंग है और थर्ड सब्जेक्ट जो है वो इरीगेशन इंजीनियरिंग है, फोर्थ सर्वेइंग फर्स्ट है और उसके बाद RCC है। ठीक है, RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, स्ट्रक्चर RCC स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे लिखा रहता है, कहीं कहीं पे केवल RCC लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बात एक ही है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट था। और अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप सभी को जो पढ़ना वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या एनर्जी कंजर्वेशन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और जो लास्ट सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है वो RCC ड्राइंग पढ़ना है। ये टोटली 7 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम एक एक के बारे में बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था सेम उसी तरह थोड़ा सा हाई लेवल, जैसे आपने 10th में पढ़ते हैं फिर 12th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो सेम उसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा उसी तरह से थोड़ा सा हाई लेवल क्या करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड सब्जेक्ट आता है वो आप सभी का हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे में क्या पढ़ेंगे आपको कि हाईवे आप कैसे बनाते हैं, क्या क्या अलाइनमेंट निर्धारित करते हैं, क्या क्या हाईवे में, जैसे हाईवे आप देखते हैं ऐसे बना होता थोड़ा सा, तो क्या क्या होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में, और हाईवे में आपको एयरपोर्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इन सब के और टनल के बारे में भी, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना। ठीक है, हाईवे एयरपोर्ट्स इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है इरीगेशन इंजीनियरिंग। इरीगेशन में आपको पढ़ना है कि सिंचाई इंजीनियरिंग, मतलब आप जानते हैं सिंचाई के बारे में, तो खेत के बारे में हमको पढ़ना है कि सिंचाई कितनी देनी चाहिए, मतलब कितनी सिंचाई होनी चाहिए साल भर में, क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं, कितने प्रकार की सिंचाई होती है। ठीक है, नहर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे हम इसमें पढ़ेंगे सिंचाई इंजीनियरिंग में, मतलब इरीगेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, सेम आता है सर्वेइंग फर्स्ट में। अब जानते हैं आप एक सिविल इंजीनियर हैं, हम एक सिविल इंजीनियर हैं, तो हम कोई भी घर बनाने से पहले, कोई बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई नहर बनाने से पहले, कोई सड़क बनाने से पहले, कोई डैम बनाने से पहले, कोई भी चीज़, क्योंकि क्या कर काम है एक सिविल इंजीनियर का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन संभालना, कंस्ट्रक्शन करवाना। तो कंस्ट्रक्शन कब होगा, सबसे पहले वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे कि वहाँ पे हम ये चीज़ बना सकते हैं कि नहीं। जैसे हमको नहर बनाना है तो नहर क्या करना, हमको ढलान पे देनी पड़ेगी, तो जिधर से नहर होके जाएगी वो हमको चेक करना पड़ेगा कि ढलान पे है कि नहीं, ऐसे पहले जा रही नहर, ऐसे जा रही नहर, ऐसे जा रही फिर ऐसे हो जा रही, तो वो चीज़ नहीं, तो वो क्या करेंगे हम उसको ढलान पे लाएंगे कैसे, एक सर्वे करेंगे जिसमें हमको एक एक पॉइंट पे क्या करेंगे निकालेंगे, उसका हाइट निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका सर्वे, ये चीज़ क्या होता है सर्वे करना, मतलब कि उसके अलाइनमेंट निर्धारित करना, एक तरह से सर्वे करना कहते हैं। सर्वे कार हम हाईवे में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप सभी का RCC स्ट्रक्चर। अब अभी तक आपसे नहीं पढ़ा कि बिल्डिंग क्या होता है और कैसे बनते, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपने सोम भी पढ़ा, लेकिन वहाँ पे आपने पढ़ा कि लोड कैसे काउंट करते हैं।
ठीक है, कितना लोड आएगा, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, कितना उस पर शियर फोर्स आएगा, इन सब के बारे में आप सभी ने पढ़ा। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि अगर आरसीसी मतलब क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर कहलाता है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में हम जब वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे कि कोई जैसे हमको बीम बनानी है तो बीम में कितना स्टील लग जाएगा, कितना कंक्रीट लग जाएगा, कितनी डेप्थ का हमको देना है, कितनी जैसे अगर उस पर 100 किलोमीटर का लोड आया तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, कोई बीम है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक एक स्टेप स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा आरसीसी। फिर आता है नेक्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ नहीं पढ़ना, आपने बहुत सारे एस्से लिखे होंगे जब आप रहते होंगे 6, 7, 8, 9, 10, इन सब में आपने एनर्जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, एस्से पढ़ा होगा। एक सब पहले एक सब्जेक्ट चलता था, मतलब 3, 4, 5 में लगभग एक सब्जेक्ट चलता था, पर्यावरण करके, पर्यावरण एक करके, एक एनवायरनमेंट करके एक सब्जेक्ट चलता था। उस सब्जेक्ट में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल आपने पढ़ा थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे आप एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, ओजोन परत, इन सब के बारे में आप पढ़ें, जैसे आपने इन्वायरमेंटल में पढ़ा, सेम लगभग कुछ चीज़ें उसकी यहाँ पे रहेंगी। सोलर पैनल के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना, और भी जैसे विंड मिल के बारे में आप सभी को पढ़ना, कई चीज़ें हैं इसमें जिनके बारे में आप सभी को अच्छे से पढ़ना। फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, आरसीसी ड्राइंग। आरसीसी ड्राइंग जो हमने आरसीसी बनाया, जैसे हमने क्या क्या कोई बीम बना दिया, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे लोड हम काउंट करेंगे, कितनी डेप्थ होगी, लोड तो हमारे पास दिया रहेगा, कितनी डेप्थ रहेगी और कितनी लंबाई रहेगी, कितनी ब्रिथ रहेगी, सब कुछ हम क्या करेंगे आरसीसी में काउंट करेंगे। लेकिन उसको हमको अगर जैसे क्या, और हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं, हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं, हमको उसके पहले ड्राइंग चाहिए। जब तक ड्राइंग हमारे पास नहीं होगी तब तक हम घर कैसे बनाएंगे, आप बताइए, जब तक हमारे पास क्या होगी, ड्राइंग नहीं होगी तब तक हम घर कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ें कहाँ पे रहेंगी, क्या कितनी डेप्थ रहेगी। अब जैसे क्या हुआ, कोई बीम हमको बनानी है, ठीक है, बीम बनाने के लिए क्या करेंगे, कितनी गहराई की बीम हम बनाएंगे। जैसे घर में नॉर्मली जो घर बनते हैं वो क्या होते हैं, क्या ऐसे नॉर्मली मिस्त्री आता है और बना के चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जब हमको कोई इंजीनियरिंग पर्पज से कोई बिल्डिंग बनानी है, मतलब कि जो जैसे कोई अस्पताल बनाना है, कोई स्कूल कॉलेज बनाना, तो उसके लिए अगर हमको सब कुछ डिजाइनेबल, मतलब डिजाइनेबल चाहिए ना, सब कुछ डिजाइन होना चाहिए, तो उसकी हमको ड्राइंग, प्रॉपरली ड्राइंग हमारे पास होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे ना मिस्त्री से कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी लंबाई की होनी चाहिए, ये इतनी गहराई होनी चाहिए, ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये स्टील रॉड पड़नी चाहिए, इतनी गहराई होनी चाहिए रॉड की, ठीक है, इतनी mm की रॉड यूज होनी चाहिए, इन सब के बारे में कैसे हम बताएंगे। तो हमको उसके लिए ड्राइंग चाहिए ना, तो हम ड्राइंग वो बनाएंगे किसमें, आरसीसी ड्राइंग में। सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, लेकिन हमको बीम के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक क्या होता है, आपने देखा होगा शहरों में पानी के लिए, पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई जाती हैं, तो वो क्या होता है, ओवरहेड टैंक होता है, उसकी भी ड्राइंग है, और भी कई चीज़ों की ड्राइंग है जो कि हमारी कंक्रीट की स्ट्रक्चर होती है उनकी ड्राइंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और जब सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आप स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भी ड्राइंग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मतलब कि कंबाइन होती हैं, सारी चीज़ें मिली जुली होती हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, और जैसे आपने आरसीसी नहीं पढ़ा तो स्टील नहीं समझ में आएगा, स्टील नहीं पढ़ा तो आगे भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी नहीं समझ में आएंगे। तो इस तरह से सारे आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये आप सभी के 7 सब्जेक्ट्स हो गए जिनको आप सभी को इस सेमेस्टर में पढ़ना है। हम आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस बताने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, अगर आप सभी तैयारी करना चाहते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम्स की, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल में जाइए, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया था बनाई थी, सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी वीडियोस नहीं अवेलेबल है वो भी जल्दी आप सभी को अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप सभी की अगर क्लासेज स्टार्ट होंगी तो वो कहीं पे हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 15 मार्च के बाद स्टार्ट हो पाएगी। ठीक, चूँकि 7-8 को होली है, हम भी घर पर हैं अभी, और जो यहाँ पे बोर्ड सब है, सेटअप जहाँ पे है, सब कुछ वीडियो जहाँ बनाते हैं वो अभी रूम पे है, और हम घर आ गए तो आप सभी की वीडियोज़ नहीं बन सकती, ठीक है, बोर्ड पे, तो इसलिए आप सभी को सिलेबस बता दे रहे हैं
और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के चूँकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के लिए सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ भाई यहाँ पे आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।